कई बच्चों को लगता है कि यार आईआईटी ना बहुत अच्छे कॉलेजेस है, तो मैं ये मिथ तोड़ देता हूँ। ठीक है, ठीक है, कंपनी क्यों आईआईटीएंस को प्रेफर करती है, ठीक है, क्यों एनआईटीज के स्टूडेंट्स को प्रेफर करती है, कई बार आईआईटीज के भी सारे बच्चों को प्रेफर नहीं करती, वही गूगल वही फेसबुक जाके एनआईटी से अच्छा प्लेसमेंट उठा लेती है, कई बार आईआईटीज में नहीं जाती। रीजन टोटल 42 लेक्चर्स की सीरीज में से हम लोग 36 तक पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट टू द कंप्लीशन, है ना। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने बच्चों पे कि सिलेबस पूरा उनका कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, ये तो होगा, बैकलॉग तो होगा, और दबा दबा के बैकलॉग, सर मोटिवेशन, सर बैकलॉग, सर मोटिवेशन, यही है मेन। आखिरी तक आके बेटा, मैं हमेशा बोलता हूँ आखिरी की रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यार, यहीं पे तो दौड़ना है, अब यहीं पे रुक जाने की मन कर रहा है, यहां पर मत रुको, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिशियल होगा। यार हमारे टाइम पे एक अटेम्प्ट मिलता था, एक अटेम्प्ट, ठीक है, बारहवीं के जस्ट बाद हो सकता था, बारहवीं के बीच में घुस जाता था कई बार, बोर्ड अभी खत्म हुए नहीं, तीन चार दिन बाद आईआईटी का एग्जाम, ठीक है। तो हम लोगों के लिए तो यार और भी ज्यादा साइकोलॉजिकली इम्बेलेंस हो जाता था कि यार कि कैसे कर रहा है, कैसे मिसमैनेजमेंट हो जाएगा तो पूरी लाइफ खराब, एक कॉलेज जो हम लोग इतने दो साल से उसके बारे में पढ़ रहे हैं हो सकता है वो खराब हो जाए, ठीक है, उस कॉलेज में ना जा पाए, ड्रॉप लेना पड़ जाए, तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ भी होती थी, राइट। और सबको ये लगता है कि यार उनकी लाइफ की प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग मौज मार रहे हैं, हमारे साथ ही बुरा हो रहा है। लेकिन बेटा आपको ये मानना पड़ेगा सभी के साथ प्रॉब्लम्स है, सभी को उससे लड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है ना। अच्छा, कई बच्चों को लगता है कि यार आईआईटी ना बहुत अच्छे कॉलेजेस है, तो मैं ये मिथ तोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं ये आपका मिथ तोड़ देता हूँ कि आईआईटी बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं होते, आईआईटी में जाने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। सर जी आप अपना फायदा कह रहे हो, आप अपने बारे में कह रहे हो, अरे नहीं, आई एम एन एक्सेप्शन, केमिस्ट्री वाला एक्सेप्शन मैं आईआईटी में था, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा था, बट मेरे को ये पता है यार कि आईआईटी में जाने वाले बच्चे या एनआईटीज में जाने वाले बच्चों के अंदर एक खास बात होती है, और वो होती है दे नेवर गिव अप। वो अपनी पर्सनैलिटी और अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए फाइट मारते हैं, एंड तक फाइट मारते हैं, ठीक है। कंपनी क्यों आईआईटीएंस को प्रेफर करती है, ठीक है, क्यों एनआईटीज के स्टूडेंट्स को प्रेफर करती है, कई बार आईआईटीज के भी सारे बच्चों को प्रेफर नहीं करती, वही गूगल वही फेसबुक जाके एनआईटीज से अच्छा प्लेसमेंट उठा लेती है, कई बार आईआईटीज में नहीं जाती। रीजन उनको वो चाहिए कि भाई कि हो सकता है कि कुछ बच्चों का पेपर खराब गया हो, कुछ बच्चे दूसरे कॉलेजेस में गए हो, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उनको ऑफर ना करें, हो सकता है कि उन्होंने वहां जाके मेहनत करी, तो इट डज नॉट गारंटी यू अ गुड जॉब इफ यू गेट इनटू एन आईआईटी। अराउंड 50-60% का ही प्लेसमेंट सिनेरियो है आईआईटीज में, 30-40% बच्चे नहीं प्लेस होते या फर्दर स्टडीज के लिए चले जाते, इन 20% तो नहीं होते फॉर श्योर, ठीक है, इतना तो मैं गारंटी से कह रहा हूं। कंपनियां ये देखती है आईआईटीएंस में कि कौन फाइट मार रहा है, और ये पूरा जो स्टडिंग का ये है ना, हर कोई कहता है यार कि एक एग्जाम तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करता, ऑब्वियसली नहीं करता यार, मेरा एक एग्जाम क्लियर हो गया तो क्या मैं बहुत आगे बढ़ गया, नहीं होता तो शायद मैं हो सकता और आगे चला जाता, यू नेवर नो, हो सकता वो गुस्सा वही एग्रेशन मैं कहीं और यूज करता, हो सकता है एग्जाम क्लियर होने के बाद मैं चिल हो गया यार, हाँ अब तो आईआईटी क्लियर हो गया, आप तो एंजॉय करेंगे, यू नेवर नो क्या टाइप का एटीट्यूड रहता लाइफ में। लेकिन मैंने ये चीज देखा है कि जब हम लोगों ने भी किसी को हायर किया है, वी जस्ट वॉन्ट अ फाइटर। आप कभी भी हायर्ड होंगे किसी कंपनी के लिए, वो ये देखेंगे यार ठीक है कंपनी में आके बंदा सीखेगा, कंपनी का काम आप सीखोगे, ठीक है, कॉलेज की इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यूज नहीं होती, आपका टेक्निकल ये देखा जाता है कि हाँ आप पढ़ तो लेते हो ना, ठीक है, लेकिन कंपनी जब एचआर ले रही होती है उस समय आपका सारा फोकस होता है कि ये बंदा बोलता कैसे है, ये बंदा बिहेव कैसे करता है, ये बंदा टीम वर्क कैसे करता है, ये बंदे ने अकेले लीडर होके कुछ काम किया है या नहीं किया है, ये सारी चीजें आपकी सीवी में देखी जाती है। जीपीए इज जस्ट अ क्राइटेरिया, उसके बाद जीपीए डज नॉट मैटर, कई बार टॉपर्स का सिलेक्शन नहीं होता है, लोअर जीपीए का बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, राइट। तो ये सब चीजें जाके आपको पता लगेंगी। बेटा मेरा ये सब बताने का सेंस ये था, इसलिए नहीं कि डिमोटिवेट कर दो आईआईटी अच्छे नहीं है, नहीं, मैं ये कहूंगा कि यार कि अगर आप आईआईटी में सिलेक्ट हो रहे हो एंड यू आर स्टिल फाइटिंग कि आप अपना जो ये है ना पढ़ने का नेचर या फाइट मारने का नेचर, अगर आप इस चीज को खोने नहीं दोगे तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आप किसी भी कॉलेज से ग्रो कर सकते हो, भले आप आईआईटी में हो, एनआईटी में हो, इवन प्राइवेट में हो। आई हैव सीन स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, टू गो टू एक्सट्रीम लेवल, मतलब अच्छी अच्छी पोजिशन पे जाने के लिए, राइट। कई सारे बच्चे डी यू से पढ़ के
ठीक है, आईएएस आईपीएस ये सब बनते हैं, आईटीएस का भी रेशियो होता है, लेकिन तो क्या वो कॉलेज खराब हो गया? नहीं, लेकिन उनके अंदर फाइट मारने की टेंडेंसी वही थी जो एक आईआईटीएन के अंदर थी, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन एंड अ सक्सेसफुल पर्सन इज योर विल टू फाइट, ऑलवेज अ विल टू फाइट, ठीक है। प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है बेटा, दूर से देखने में ना आपको लगता है ओ सर के पास तो भाई गाड़ी है, ठीक है, सर तो बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं, सर तो इंजॉय कर रहे हैं, क्या पता सर की ईएमआई से ही हालत खराब है, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं सर, ठीक है, गाड़ी तो ले ली, ईएमआई कहां से भरे, मेंटेनेंस कहां से करे, प्रॉब्लम जबकि लाइफ में हो सकता है। तो आप दूसरे को मत देखिए, आप अपने लाइफ को देखिए कि आपको किस चीजों से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, फाइट इट, हर चीज के लिए फाइट मारना पड़ेगा लाइफ में आगे, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम बात करें तो इससे भी टॉपिक से फाइट मार ली जाए, थोड़ी सी इजी टॉपिक है इससे, लेकिन बच्चों को